Hello students, in this video we will discuss on exercise 2.2 and in previous video we have seen how to find value of polynomial, what is zeros of polynomial, how to find zeros of polynomial and how to verify zeros of polynomial. Okay, तो अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को देखा नहीं अभी तक समझा नहीं अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो once must watch the previous video जो कि आपका exercise 2.2 का ही introduction. Okay, तो अब हम start करेंगे पहले question से. Okay, so बात करते हैं solution of question number 1. Find the value of the polynomial. You have given polynomial 5x minus 4x square plus of 3. ये आपका कोई एक polynomial है और इसकी वैल्यू को आपको 0 पे, माइनस 1 पे और 2 पे चेक करना है. ओके, तो आप देखोगे कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x. ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए आप p नोटेशन का प्रयोग करोगे और यहाँ पे जो x है ये बता रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है. ओके, तो आपके गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है दैट इज x. ओके, तो आपने क्या करना है, हमने इसको वैल्यू को चेक आउट करना है ना, वैल्यू एट x is equal to 0 है ना एंड -1 एंड 2. ओके, इन तीन पॉइंट्स पर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को चेक करेंगे. तो सबसे पहले फॉर x is equal to 0 पे तो आप मानोगे क्या, पहले तो इस पॉलिनोमियल को लिख लोगे p of x is equal to 5x minus of 4x square plus of 3. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की इस वैल्यू को सीधे आप पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रख लोगे. ओके, तो गिवन पॉलिनोमियल में आप x के प्लेस पे एक बार क्या रख लोगे, 0. ओके, सो 5 into 0 0 0 का स्क्वायर into समथिंग 0 एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3. ओके, लाइक सेम हम एक बार इसके लिए चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1 तो इन द सेम मैनर है ना आप x के प्लेस पे क्या करोगे, x के प्लेस पे आप -1 रख लोगे. ओके, यहां भी आप लिख देंगे -1. ओके, तो ये सॉल्व करने पे क्या होगा, 5 × -1 दिस इज -5 और ये -1 का स्क्वायर है. अगर कभी भी किसी नेगेटिव का पावर इवन हो या कभी किसी नेगेटिव का स्क्वायर हो या नेगेटिव नंबर का तो वो जो रिजल्ट देता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होगा. तो ये आएगा आपका 1 है ना, -4 × 1 + 3 तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 - 4 + 3 - 9 + 3 तो p ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6. ओके, अब हम चेक करेंगे इसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे. सो फॉर x इज इक्वल टू 2 तो आप क्या मान लोगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू सीधे 5 × x के प्लेस में हम लोग रख लेते हैं 4 × 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10 एंड 2 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 प्लस ऑफ 3 तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 13 - 16 एंड द रिजल्ट इज -3. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 पे 3 है, -1 पे -6 है और 2 पे -3 है. ओके, तो हमने क्या देखा था कि भाई जब कभी भी सवाल पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट लाइक x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5 तो हम x के प्लेस पे वो वैल्यू रख दें. ठीक है, तो हमें क्या होता था, पॉलिनोमियल की उस पॉइंट पे वैल्यू आ जाया करती थी. अब मान लो कि अगर पॉलिनोमियल आपका x के फॉर्म में ना हो कि किसी और वेरिएबल के फॉर्म में हो तो आपको उस इंडिविजुअल वेरिएबल पे कुछ वैल्यूज को फाइंड करने को बोलेगा. जैसे अगर मैं कह दूं कि 5t + 2t 5t² + 2t + 3 तो आप इसको मान लोगे कि ये कोई एक पॉलिनोमियल pt, p इस पॉलिनोमियल का नाम है जिसके अंदर वेरिएबल आपने क्या रखा, t. मैंने कहा कि आप इसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे निकालो, t इज इक्वल टू 0 पे निकालो. ठीक है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है, t. तो हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 × 0² 2 × 0 + 3 तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, कि p ऑफ 0 पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 3 होगी. ठीक है, अब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल
जिस पे आपके है ना जो उस कोई x की ऐसी वैल्यू जिसको आप पॉलीनोमियल के अंदर पुट करो और वो पॉलीनोमियल पूरा आपका जीरो हो जाए, सो दैट इज नोन एज जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। कोई x की ऐसी वैल्यू दैट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉलीनोमियल बिकम जीरो इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। ओके, तो देखिए यहां पे जो पॉलीनोमियल है इसके अंदर वेरिएबल क्या है, y है। इस पॉलीनोमियल के अंदर वेरिएबल t है, इस पॉलीनोमियल के अंदर वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है। ठीक है, तो एक बार आपने क्या कर लेना है, y के प्लेस पे 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका ये गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पहले पार्ट को आप लोगे p of y is equal to y square plus y plus 1, है ना? तो आपको कहां कहां पे वैल्यू चेक करना है, देखो p of 0, p of 1, p of 2, मतलब ये जो पॉलीनोमियल है ना, इसकी वैल्यू आप कहां कहां पे चेक करोगे, एक बार वेरिएबल की वैल्यू को 0 पे चेक करोगे, इस बार पूरे पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू को आप 0 पे चेक करोगे, एक बार पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू को किस पे चेक करोगे, 1 पे, और एक बार पूरे पॉलीनोमियल को आप कहां पे चेक करोगे, 2 पे। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि वैल्यू क्या लेना होगा, वैल्यू ऑफ y इस पॉलीनोमियल में आपको y की वैल्यू क्या लेनी होगी, एक बार 0, 1 और 2 पे, है ना? तो अब हम चेक करेंगे पहले के लिए for y is equal to 0, so p of y is equal to y square plus of y plus of 1, so p of 0 is equal to 0 by square plus of 0 plus of 1, so p of 0 आपको क्या दे देगा, 1। ठीक है, in the same way for y is equal to 1, तो आप क्या करेंगे, जो polynomial है ना लिखेंगे p of 1, या ऐसे पहले polynomial होता है, p of y is equal to y square plus y plus of 1। अभी क्या आपको इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, y is equal to 1 पे, तो y के प्लेस पे 1 लिख लो, और जहां जहां पे आपका y है उन सारी जगहों पे आप क्या रख लो, 1, तो आपको मिलेगा p of 1 is equal to 3। ठीक है, लाइक सेम फॉर आप कहां पे चेक कर लोगे, y is equal to 2 पे, तो p of 2 is equal to 2 by square plus 2 plus this 2 by square 4 to 6 1 7, तो आपको 2 पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 7, 0 पे कितनी मिली इस पॉलीनोमियल की वैल्यू, 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे इसी के। ओके, बिफोर दैट वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लो और बाकी पार्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इन सेकंड पार्ट आपका जो पॉलीनोमियल है, दिस इज p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t क्यूब। ठीक है, अगर आप पॉलीनोमियल को देखो, क्या ये प्रॉपर फॉर्म में पॉलीनोमियल आपका लिखा हुआ है, यहां पे पॉलीनोमियल आपका प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा, जब पॉलीनोमियल हाई डिग्री टू लो डिग्री के फॉर्म में लिखा होगा तो आप कहोगे कि वो प्रॉपर पॉलीनोमियल है, पर अभी हम इसको अगर पॉलीनोमियल को सही फॉर्म में एडजस्ट करते हैं तो उससे क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है कि इस पॉलीनोमियल ये जो आपको गिवन पॉलीनोमियल है p of t, ये कोई गिवन पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और इसमें वेरिएबल कितना है बच्चों, इसमें वेरिएबल t नाम का एक वेरिएबल है, है ना? तो आपको क्या करना है, इस पॉलीनोमियल की वैल्यू को कहां पे चेक करना है, वैल्यू है ना ऑफ पॉलीनोमियल को हमें कहां पे चेक करना है, एट t is equal to 0, 1 है, 2, कहां पे चेक करना है, जो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल है उसको हम कहां पे चेक करेंगे, t is equal to क्या 0, 1 है, 2 पे। तो आप सीधे पॉलीनोमियल को पहले केस को देखेंगे, for t is equal to 0, so p of t is equal to 2t plus of 2t square minus of t cube, तो p of 0 is equal to 2 plus of 0 plus of 2 into 0 by square, और 0 का ये क्या हो जाएगा, cube। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, खाली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना? और आगे में आगे ये कॉन्सेप्ट काफी आपको हेल्प करेगा, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल अगर आपको चेक करने का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे आप काफी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, 0 होगा 2 ऑफ 0 0 तो ये आपको 2 मिलेगा। फिर क्या बच्चों, फॉर t इज इक्वल टू 1
तो क्या करिएगा, पॉलीनोमियल को भी p of t is equal to 2 plus of t plus of 2t square minus of t cube, और सीधे यहाँ पे t की जगह पे 1 रख लेंगे, ओके, और आपको जो वैल्यू मिलेगा 2 plus 1 plus 2 minus 1, तो हो जाएगा 2 to 4, 1, 5 minus 1, ठीक है, तो आपको कितना वैल्यू दे देगा, p of 1 पे ये जो पॉलीनोमियल है, this will become 4, ठीक है, अभी हम इसी पॉलीनोमियल की वैल्यू को कहाँ पे चेक करेंगे, for t is equal to 2, तो p of 2 is equal to 2 plus of 2 plus of 2 time of 2 का square minus of 2 का cube, ठीक है, तो this will be 2, 2, तो ये 2, 2 आपके कितने हो जाएंगे, 4, 2 का square 4, 2 जा 8, and 2 का cube होगा 8, तो ये cancel करके कितना दे देंगे, 4, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 लिखा है इधर सवाल में, t के प्लेस पे आपने 2 रखा, एंड यहाँ पे t के प्लेस पे आपने क्या रखा, 2 और इसका होल स्क्वायर किया तो 4 2 जा 8, और 2 का पावर 3 भी 8 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ का रिजल्ट कितना दे दिया, 4, ठीक है, लाइक सेम हम थर्ड पार्ट में चेक करेंगे, क्या है, p of x is equal to x cube, हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, हां पॉलीनोमियल एट x is equal to 0 1 एंड 2, अब हम बहुत सॉल्व करने वाले हैं, p अब सीधे आप क्या लिखोगे, p ऑफ 0 और 0 का क्यूब, तो ये क्या देगा 0, अगर आप p ऑफ 1 ले लो तो 1 का क्यूब क्या दे देगा 1, अगर आप p ऑफ 2 ले लो तो 2 का क्यूब क्या दे देगा 8, तो देखो ये आपने इस पॉलीनोमियल की वैल्यू को 0 1 और 2 पे चेक किया, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0 क्या है, आपका 0 है क्योंकि वो x की ऐसी वैल्यू थी जिसको रखने पे आपका पॉलीनोमियल क्या बन गया 0, ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट पे आपको लिखा है चेक वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, है ना, कहाँ पे पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, तो आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है जो कि किस फॉर्म में है x माइनस 1 x प्लस 1, तो अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी क्लास 8 में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो आइडेंटिटी से अगर आप देखो तो a माइनस b a प्लस b, तो ये इसको आप लिख सकते हो सीधे क्या कि अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहो इसको लिख दो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, अगर आप 0 पे वैल्यू चेक करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 दिस इज माइनस 1, फिर आप p ऑफ 1 पे चेक करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये 0 देगा, और फिर जब आप 2 पे चेक करोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो 3 में से बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा, तो आपको क्या दे देगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि हमने जो ये इवन पॉलीनोमियल है इसकी वैल्यू कहाँ पे चेक किया, 0 1 0 पे चेक किया, 1 पे चेक किया और 2 पे चेक किया, अगर सपोज करो आप डायरेक्ट करते तो कैसे होता, अगर आप x की वैल्यू को 0 ले लेते तो माइनस 1 है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा है, अगर आप x की वैल्यू को 0 ले लेते तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 दे देता, अगर आप x की वैल्यू को 1 ले लेते तो प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग बिकम 0, और अगर आप x की वैल्यू को 2 रख लेते तो 2 में से 1 जाता तो 1 आता, और 1 प्लस 1 ये कितना हो जाता है 2 प्लस 1 3 एंड 3 वन जा 3 आपको रिजल्ट दे देता, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x है ना कहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी थी पॉलीनोमियल 0 हो गया, ठीक है, तो देयरफॉर यू कैन से दैट 1 इज जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमने क्या देखा, तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट सम इंडिविजुअल पॉइंट, ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेरीफाई whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो एक polynomial लिखा है और इसके बदल में क्या लिखे हुए हैं, इनके zeros लिखे हुए हैं, तो क्या ये जो zeros हैं क्या ये सही हैं, ठीक है, आपको चेक करना है, तो firstly you must know what is zeros, that value of x for which the polynomial becomes zero, okay, so here what you can say, one is zeros of the polynomial, For example, if I say p of x is equal to x square minus of 2, x square minus of 4, और मैं कहता हूँ एक बार इसकी वैल्यू को 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो और 2 पे चेक करो, तो p of 0 होगा क्या 0 का स्क्वायर माइनस 4, तो क्या ये क्या दे देगा माइनस 4, फिर मैंने बोला कि बेटा इसकी वैल्यू को आप 1 पे चेक करो तो 1 स्क्वायर माइनस 4 दे देगा माइनस 3, और जब आप p of 2 को चेक करोगे 2 पे तो इस पॉलीनोमियल
करोगे तो जब आप 2 पे चेक करोगे 2 पे स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट यू कैन से हियर कि ये तो x 0 हो जा रहा था, x इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉलीनोमियल बिकम 0. ओके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर ले, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे.